क्या आपने कभी अपने फोन या फिर डेस्कटॉप पर ऐसे कार के वॉलपेपर्स लगाए? आई एम श्योर बचपन में हम सभी लोग अपनी फेवरेट कार की फोटो को HD में पहले डाउनलोड करते थे, फिर उसको डेस्कटॉप वॉलपेपर या फिर फोन का वॉलपेपर सेट करते थे। देखो बचपन में मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था, बस फोटो अच्छी लगती थी। पर जैसे मैंने बड़ा हुआ, मैंने अपनी पहली कार ली, उसके बाद मैंने अपनी कार की फोटोज जब गूगल पर देखी तो मुझे बहुत ही खतरनाक फोटो उस कार की मिली। और फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार मेरे पास भी सेम कार है लेकिन मैं इतनी अच्छी फोटो क्लिक क्यों नहीं कर पाता अपनी कार की। और इसी बीच मुझे इंस्टाग्राम पर एक रील मिलती है जहाँ पे कि एक कार की फोटो का बिफोर एंड आफ्टर दिखा रखा था, मतलब बहुत सारी कार की फोटोज उनका बिफोर आफ्टर। तो भाई साहब वो देख के मैं शॉक हो गया, मुझे लगा ये फोटो ऐसे क्लिक करते होंगे, बट नहीं, एक्चुअली में नॉर्मल फोटोज रहती है, इनको एडिट करके ऐसा बनाया जाता है। आप भी देखो ये शॉट बिफोर आफ्टर कार्स का, बहुत ही तगड़ा लग रहा है ये। तो इसको देख के मेरे पास एक आइडिया है कि यार क्यों ना मैं भी अपनी कार की कुछ फोटोज क्लिक करूं एंड उनको इस तरीके से एडिट करूं। मतलब इतना अच्छा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कार की फोटो को हम कैसे एडिट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में ये करने वाले हैं, मैंने अपनी कार की कुछ फोटोज क्लिक करी, मतलब नॉर्मल सी जगह थी, कोई खास ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, उसको हम एडिट करके एक बहुत ही क्लासी सा कार का वॉलपेपर बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से यार वीडियो को लाइक करो एंड अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पहले ही आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई कार या फिर ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर नहीं हूं, तो गलतियां हो सकती है, तो मैं भी पहली बार ट्राई करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई एक बार पहले नज़र डाल लो आप, ये थी फोटो पहले एंड ये मैंने इसको ऐसा बना लिया है। एक्चुअली मैं इसको पहले प्रैक्टिस कर रहा था एक बार रिकॉर्ड करने से पहले एंड देखो कितनी मस्त हुई है। अब आपको दिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप कैसे मैं यहां तक पहुंच पाया, ठीक है? तो सिर्फ क्या करते हैं, इसको यहां से उड़ाते पहले, रीसेट टू इंपोर्ट, ठीक है? ये फोटो हमारी थी पहले, अब इसको दोबारा से आपके सामने एडिट करूंगा। सबसे पहला स्टेप आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मास्किंग करनी है पहले, ठीक है? अगर आपको बेसिक लाइट एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट मैं यहाँ से जाऊँगा, हाईलाइट थोड़ा कम करूँगा बस, बाकी मेरी फोटो में सब कुछ सही है, ठीक है? अब आएंगे मास्किंग के ऊपर। अब आप देखो ध्यान से समझना, आपकी फोटो में कलर ग्रेडिंग जो होती है वो एक अलग चीज़ है एंड जो हम लाइट को शिफ्टिंग करते हैं वो एक अलग चीज़ है। अभी अगर आप इस फोटो को देखो तो यहाँ पर आपकी जो आईज़ है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ दिख रही है, तो आपको पता लग रहा है कि मुझे कहाँ देखना, फोकस कहाँ डालना है, उसको हम सुधारेंगे इस मास्किंग टूल के जरिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ से एक लेंगे लीनियर ग्रेडियंट एंड ऊपर की साइड से ऐसे डालेंगे ताकि हम कार के पीछे जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट उसका कम कर सकें या उसमें फॉग डाल सकें, ठीक है? ये हो गया, लेकिन इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फॉर मास्क वन और ये सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हमने पहले सेलेक्ट किया, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्चुअल मार्क्स से, तो फिर हमें मिल गया ये देखिए ये सिलेक्शन। अब हमें इस पार्ट पर क्या करना है, इसका हेज हमें कम करना बिल्कुल ही, तो इसको डीहेज कर देंगे हम, देखिए। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगा तो नीचे की तरफ और ले आएंगे इसको, तो इतना सही है। एंड इसके बाद इसका हम थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं एंड इसका हम टेम्परेचर भी छेड़ सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक हल्की सी, मतलब ऐसे सर्दियों वाली वाइब आए, विंटर वाली वाइब आए, तो यहाँ पर बिल्कुल कम कर देंगे टेम्परेचर और टिंट भी हल्का सा कम एंड इसको डन कर देंगे। अब देखो ऊपर का पार्ट हमने लाइट किया है तो नीचे का पार्ट हमें कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से इसको डार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आएंगे एंड एक और लेंगे लीनियर, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अभी इसके बाद हम बहुत एडवांस भी जाएंगे। तो ये हमने सेलेक्ट किया, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क टू एंड यहाँ से अपनी कार को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सिलेक्शन आ चुका है। अब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, एक्सपोजर कर देंगे कम और यहाँ पर आएंगे क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं एंड इसका अगर आप चाहो तो टेम्परेचर जो है वो भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री रख सकते हैं टेम्परेचर में। जैसे देखो ऊपर हमने ब्लू किया था, नीचे हम ऐसे रेड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? इसको कर देंगे डन। अभी के लिए जस्ट ये हल्की सी हमारी शिफ्टिंग हुई है। देखो ये तो इसकी एक बेसिक ट्रिक थी एडिट करने की, लेकिन इसका एक एडवांस रूप भी है, लेकिन उसको जानने से पहले एक और एडवांस ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम फोटो शूट करते हैं बहुत सारी, उसमें से कुछ फोटो सेलेक्ट करते हैं और बाकी फोटोज को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ मुंबई वाले शूट पर भी हुआ था, मैंने बहुत सारी फोटो को डिलीट कर दिया था। जनरली आप क्या करोगे, आप जाओगे रिसाइकल बिन में, वहाँ से उसको रिकवर कर लोगे, लेकिन मैंने वहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया था क्योंकि मेरे को पॉडकास्ट के लिए और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी। और बाद में मुझे लगा कि यार उस वाले फोल्डर में से और फोटोज भी निकल सकती थी, और ज़्यादा अच्छी फोटोज थी उसमें जो कि मैंने डिलीट कर दी थी। तो इसके बाद मुझे मिला एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वंडरशेयर रिकवर इट। इसके थ्रू अपनी सारे डिलीटेड फाइल्स को मैं रिकवर कर सकता हूँ इजिली। अभी आपको ना एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये वाला एक फोल्डर है, इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखते हैं एंड इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ एंड अब मैं ओपन करता हूँ अपना वंडरशेयर रिकवर इट। अब यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपनी फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज या फिर ईमेल्स तक को भी रिकवर कर सकते हो एंड आप किसी भी डिवाइस से लिटरली इसको रिकवर कर सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, पीसी या फिर आपकी कोई पुरानी हार्ड डिस्क या फिर आपके इंटरनल स्टोरेज या फिर आपने कोई क्रैश कंप्यूटर आपके पास पड़ा है उसके अंदर कोई डेटा है वो आपको रिकवर करना है वो तक आप इसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अपने रिसाइकल बिन से मैं फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये जस्ट आपके एक या दो मिनट लेता है, आपके पूरे पीसी को एनालाइज करता है एंड आपका जो डिलीटेड डेटा उसको आपके पास दिखा देता है। अब इसके बाद आप इसको रिकवर भी कर सकते हो, वो भी जस्ट एक क्लिक में। यहाँ पर अपना फोल्डर में सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर रिकवर पर क्लिक करते हैं एंड हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर रिकवर
कवर हो जाएंगी। एंड ये देखिए, ये सारी फोटोज एक्चुअल में वापस आ चुकी है। तो देखो, ऐसे आप बहुत ही इजीली अपनी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। एंड हाँ, ये सॉफ्टवेयर आपके मैक एंड विंडोज दोनों में चलता है। तो जाइए फटाफट से इसको चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। अब अपने ट्यूटोरियल पर वापस आते हैं। अब देखो, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में फॉग ऐड किया तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी किसी फॉगी जगह पर खड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड में ही फॉग है, फोरग्राउंड में कहीं भी फॉग नहीं है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? तो ये रहा, यहाँ से लेते हैं ब्रश एंड साइज छोटा। एंड देखिए, ऐसे हल्के हल्के किसी किसी पार्ट पे हम ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे, इसको भी डीहेज कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई, एक्चुअल में फॉग है और हेजीनेस थोड़ी सी हो रखी है। यहाँ पर आते हैं, इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉरी कम कर लेते हैं मतलब, और सैचुरेशन वापस से। सो ये देखो, ये अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, फॉग एक्चुअल में कहीं पर था। इसके अलावा एक बार मैं कार को जूम कर लूँगा और यहाँ के पास मतलब जो कार के ऊपर ओवरलैप करें वो वाली जगहों पर थोड़ा सा पेंट कर लूँगा। जैसे कि ये जो पार्ट है यहाँ पर भी थोड़ा सा और फॉग होना चाहिए था। तो यहाँ पर आते हैं एंड डीएस को बिल्कुल कम, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ भाई, कार की एजिस में एक्चुअल में फॉग है। ठीक है, तो अभी देखो, ये आपको दिखाता हूँ अभी जस्ट बिफोर आफ्टर। अभी हमने कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं की, किसी भी कलर को नहीं छेड़ा है। एंड ये देखिए, आपकी आईज ऑटोमेटिकली आगे वाले पार्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। अब इसमें थोड़े से और एडवांस एक चीज़ लेके चलते हैं। यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ से हम विनेट करेंगे, या फिर यहाँ से जो लेंस करेक्शन वाला ऑप्शन होता है यहाँ से विनेट करेंगे। ठीक है, एंड अब आएंगे इस वाले कर्व टोन में। एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी पार्ट पे हमने ऐसे डार्कनेस ऐड करनी है वो थोड़ा सा डार्क करेंगे यहाँ से। तो शेडो को थोड़ा सा कम करेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा अप, मिड टोन्स को नॉर्मल। देखो, हाईलाइट को अगर हम डाउन करेंगे ना, पूरी वो फील आ जाएगी फॉग वाली। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली गायब हो जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें मूडी टोन ऐड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी रेड कर्व है इसके हम शेडोज़ में थोड़ा सा ब्लू टोन ऐड करेंगे, मतलब रेड को शेडो में से गायब करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कम करके इस ब्लू साइड लेके आएंगे। तो ये देखो, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, विंटर वाली टोन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ग्रीन कलर है इसको भी हम थोड़ा सा शेडो से कम करेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्की सी पर्पल टोन आ जाएगी जो कि थोड़ी सी रियलिस्टिक लगेगी। एंड डन। अब देखो, इसके बाद अगर आपको ध्यान से देखना हो तो यहाँ पे फॉग इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, अभी थोड़ा सा और फॉग हम इसमें डाल सकते हैं। तो वापस चलते हैं यहाँ पर और एक और लीनियर ग्रेडियंट लेते हैं और इसमें भी दोबारा से क्लैरिटी को कम कर देते हैं, डीएस को बिल्कुल कम। एंड डन। अब देखो, ये तो हमने जस्ट अपने एनवायरनमेंट को भी सेट किया है। अभी जस्ट आपको लग रहा है कि हमने बिल्कुल गाड़ी को फॉगी जगह पे खड़ा कर दिया है, लेकिन अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें एक्चुअली हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गाड़ी की लाइटें नहीं जल रही है तो इनको भी हम जला सकते हैं। तो यहाँ मास्किंग टूल बहुत काम आता है। तो यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे, ओके, एंड इसका फीदर फुल है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे एंड इसका हम क्या करेंगे, डीहेज कम कर देंगे, इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे और इसका जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ा देंगे ताकि हल्की सी येलो लाइट लगे। इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर करेंगे। ये पोजीशन बिल्कुल सही है इसके लिए। इसको ही हम डुप्लीकेट करेंगे और दूसरी साइड भी लेके आएंगे जहाँ पर दूसरी लाइट हमारी गाड़ी की। देखो, अपनी शेप के हिसाब से इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं आप। सो देखो, अब अगर मैं आपको इस फोटो का बिफोर आफ्टर दिखाऊं तो ये देखना आप, जस्ट लाइट एडजस्टमेंट से कितना फ़र्क पड़ा है। अभी ध्यान रहे, हमने इसमें कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं की है, इसमें सिर्फ हमने लाइट्स को एडजस्ट किया है एंड फोटो बहुत ही बॉम्ब लग रही है। अब देखो, ये आपका जस्ट पहला स्टेप है। इसके बाद अगर आप इसमें कलर ग्रेडिंग करोगे तो आपकी फोटो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। और जब आपने एक बार ऐसे मास्किंग से अपनी लाइट को सेट कर लिया, इसके बाद आप कोई प्रीसेट लगाओगे ना, वो भी बहुत ही परफेक्टली काम करेगा। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आते हैं हम प्रीसेट्स के अंदर एंड देखते हैं यहाँ पर कोई प्रीसेट लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर इनबिल्ट जो कुछ प्रीसेट इनके ये यूज़ करते हैं, एक बार रिकमेंडेड प्रीसेट भी आते हैं लाइटरूम के अंदर तो आजकल। तो ये देखो, अब मैं कोई भी प्रीसेट लगाऊंगा ना, हमारी वो सेटिंग रहेगी जो डीहेज वाली थी, वो चीज़ गायब नहीं होगी और उसकी वजह से ना पूरी फोटो में जो मूडी टोन्स है, जो एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट वैसे रहेगा। तो यहाँ पे ढंग के नहीं मिल रहे हैं कुछ, हम यहाँ से कुछ चूज़ करते हैं। ठीक है, सिनेमैटिक में आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो देखो, यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट लगाओ, आपने जो एनवायरनमेंट सेट किया था, जो आपने फॉग डाला था, हेज डाला था, वो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास मेरे खुद के कुछ प्रीसेट है यार, यहाँ पे यूएस में चलते हैं एंड मेरा ये फेवरेट डस्क वाला प्रीसेट। तो ये देखिए, अब अगर हमने इसमें जस्ट एक बार लाइट को एडजस्ट कर लिया एंड फिर हमने हल्का सा प्रीसेट भी लगाया,
तो फोटो देखो कितनी बॉम्ब लग रही है। इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो अपना पहला स्टेप है जो कि लाइट एडजस्टमेंट वाला है, जो कि मास्किंग के थ्रू होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप कोई भी प्रीसेट लगाओ आपकी फोटो में वो परफेक्ट ही लगेगा। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पर आते हैं एंड थोड़ा सा और क्रिएटिव करने के लिए यहाँ पर एक ग्रेडियंट लेते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पर लाइट जल रही है तो इसके अराउंड थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। सो देखो हल्का सा फर्क आया, लेकिन फिर भी देखो भाई फोटो में जस्ट कलर ग्रेडिंग का कोई खास खेल नहीं है, लेकिन सारा खेल क्या है, लाइटिंग का, मास्किंग का। अब मास्किंग टूल से कितना सही फर्क पड़ा है। मास्किंग करके आप जो हमने ऊपर ये सेलेक्ट किया था, इसकी थोड़ी सी हम ब्राइटनेस और बढ़ा सकते हैं ताकि और ज़्यादा लगे कि हाँ भाई फॉग हो रखा है। ऐसे देखो ये भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आपको थोड़ा और क्रिएटिव जाना है तो बहुत सारी चीज़ें। ये देखो ये पूरी फोटो में, अब आपका अपने आप ध्यान गाड़ी के ऊपर जा रहा है क्योंकि पीछे बहुत लाइट है, उसमें कोई डिटेल नहीं है, सारी डिटेल गाड़ी के पास है। हालांकि मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। और एक चीज़ हम और कर सकते हैं, हाँ यहाँ जिस पैच से लाइट आ रही है, इस पैच को हम थोड़ा सा और ब्राइट कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे हाँ एक्चुअली यहाँ से लाइट आ रही है। तो एक यहाँ से, अरे यार मैं हर बार लीनियर क्यों ले लेता हूँ, यहाँ से लेते हैं एक रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसका हम डीहेज और कम कर लेते हैं, इसके हम यहाँ से ऐसे लाइट और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो देखो अब बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि हाँ भाई इधर कहीं से लाइट आ रही है। ये लाइट की पूरी डायरेक्शन बन चुकी है, ठीक है। और इसका हम सैचुरेशन भी वापस कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा के, एंड डन। तो फाइनली यहाँ पर हम आएंगे और टेक्सचर बढ़ाएंगे ताकि कार के ऊपर थोड़ी सी डिटेल आए और टेक्सचर हमारा आए, ठीक है। ये एग्जांपल जस्ट मैं इस वाली फोटो ले रहा हूँ, यहाँ पे एक कार है, आप किसी इंसान को खड़ा कर दो तब भी आपकी फ़ोटो इतनी अच्छी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर से हम ब्लैक को थोड़ा कम करेंगे एंड सी गाइज बिफोर आफ्टर देखो जस्ट आप, ठीक है। ध्यान रहे इसमें कलर ग्रेडिंग नहीं की हमने, ठीक है, सिर्फ लाइट एडजस्टमेंट। ये भाई साहब ये कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो यार मास्किंग का यूज़ नहीं करते अपनी फोटो की एडिटिंग में, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आप पूरी फोटो में ना जो ऑडियंस है उनके आइज़ को शिफ्ट कर सकते हो कि किस तरफ आपको देखना है। सो आई होप आपको ये वाली ट्रिक, ये मास्किंग टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी। एंड ये मास्किंग के जितने सारे टूल हैं इन सबको आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करो और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे हमने पहले सिर्फ एक मास्क बनाया, फिर उसमें से हमने और सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप उसके अंदर भी और कुछ कर सकते हो। ऐसे आपको ये तीन चार जो मास्क है, ये सारे जो जितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी को आप जो है कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो और बेहतर रिजल्ट आप निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये ट्रिक एंड ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड जो फोटो हमने एडिट किया ये आपको काफ़ी क्लासिक लग रही होगी। ये पहली बार था मेरा कार वाली फोटो को एडिट करने का एंड आई होप काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। आपको कैसा लगा ये फोटो कमेंट करके ज़रूर से बताना, एंड आप पोर्ट्रेट्स के अलावा और किस चीज़ की एडिटिंग देखना चाहते हैं फोटोज़ में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।